हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, सीनियर फैकल्टी अभिमन्यु आईएएस। आज पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ, विच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द अपकमिंग एग्जाम ऑफ हरियाणा सिविल सर्विसेज। एंड द नेम ऑफ द टॉपिक इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन शॉर्ट जिसको हम कैग बोलते हैं, राइट। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, मैं आपको स्ट्रेट अवे एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ड है ना यहाँ पर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सी इसके अंदर जो ये वर्ड है कंट्रोलर, दिस इज अ मिसनोमर। मिसनोमर मतलब इंडिया में जो कैग है एक्चुअली में क्या वो एक कंट्रोलर है? तो आंसर है उसका नो। क्या वो एक सिर्फ ऑडिटर है? यस। इसको अच्छे से अभी और समझेंगे कि क्या मीनिंग है कंट्रोलर का, क्यों नहीं बोलते इसको, एंड व्हाट इट इज ऑडिटर। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू राइट नाउ इज कि इंडिया में जो ये वर्ड है कैग, ये एक मिसनोमर है। हमारे यहाँ पे कंट्रोलर वाली पावर ही नहीं है कैग के पास, उसके पास सिर्फ और सिर्फ ऑडिटिंग की पावर है, राइट। बट फिर भी हम इसको कैग क्यों यूज कर रहे हैं, व्हाई वी आर यूजिंग दिस टर्म, राइट, वी विल गेट टू नो अबाउट इट वंस वी प्रोसीड इन द प्रोसीड डाउन द लेक्चर। ओके, ये सब डिटेल्स देखने से पहले लेट मी एक्सप्लेन कि कैसे कैग का फंक्शनिंग कहां पर और कौन करता है और कैसे चलता है। सी, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लेट से मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की एक इन्होंने एक पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लेट से जल शक्ति अभियान, जस्ट रैंडम जल शक्ति अभियान। अब इनको पर्टिकुलर किसी बजट में इसके लिए एक फंड एलोकेट हुआ होगा, राइट। अब वो जो फंड एलोकेट हुआ है, अब उस फंड को इन्होंने इस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री ने कैसे उसको यूटिलाइज किया, कहां कहां उसका इंप्लीमेंट किया, कहां उसके एक्सपेंडिचर हुए, एवरीथिंग, वो जो एक रिपोर्ट बनेगी उनके एक्सपेंसेस के एक्सपेंडिचर की, क्या क्या इनकम भी अगर कुछ भी, सब कुछ बैलेंस शीट सारा कुछ इस चीज के लिए कि क्या जो फंड एलोकेट हुआ वो ढंग से उसका यूटिलाइजेशन हुआ, प्रॉपर वे में उसका यूटिलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ। यहां पर इसको ऑडिट करने के लिए कौन आएगा? टू ऑडिट दिस विल बी कैग, कैग, राइट। कैग किसका हेड होता है? इंडियन ऑडिट अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का, इंडियन अकाउंट्स एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड होता है कैग। ये जो डिपार्टमेंट है ये इस रिपोर्ट को या फिर इस जो एक्सपेंडिचर है उनको यू देखेंगे, चेक करेंगे, राइट, कि कितना सही, उनको ऑडिट करेंगे बेसिकली। अब इसके बाद ये जो रिपोर्ट है कैग की, जो रिपोर्ट है कैग ने करा, कैग ये वाली रिपोर्ट किसको देगा? क्या ये डायरेक्टली पार्लियामेंट में जाएगी? नो, क्या ये रिपोर्ट पास ऑन करेंगे प्रेसिडेंट साहब को, फिर ये प्रेसिडेंट साहब जो है अपने ये इसको हाउस में पार्लियामेंट के अंदर टेबल करेंगे, इसको पार्लियामेंट के अंदर ले डाउन करेंगे बाय द प्रेसिडेंट। नाउ अभी एक और स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट। अब पार्लियामेंट क्या करेगा? पार्लियामेंट के अंदर बनेगी एक कमिटी। कौन सी कमिटी? पब्लिक अकाउंट कमिटी, जिसको शॉर्ट में पीएसी कहा जाता है, पब्लिक अकाउंट कमिटी। अब ये जो पीएसी है, वो जो रिपोर्ट कैग ने फाइल डाउन की थी, ये जो रिपोर्ट यहां से पास ऑन होती आ रही है, ये जाएगी पीएसी के पास, राइट। फिर पीएसी उस रिपोर्ट की हेल्प से, पीएसी उस रिपोर्ट की हेल्प लेते हुए खुद भी एक रिपोर्ट फाइल डाउन करेगी। पीएससी विल अगेन, पब्लिक अकाउंट कमिटी जो है ये अगेन एक रिपोर्ट ये भी टेबल डाउन करेगी, अगेन इन द हाउस पार्लियामेंट के अंदर वापस, राइट, ये पार्लियामेंट में फिर से टेबल डाउन करेगी। आर एफ प्रोसेस समझने, सीएजी ने रिपोर्ट करी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ने पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर एक कमिटी बैठी उस रिपोर्ट को चेक करने के लिए, पीएससी वो बैठी, पीएससी ने उस रिपोर्ट की हेल्प से एक और अपनी रिपोर्ट और बनाई अलग से, फिर से पार्लियामेंट के अंदर प्रेजेंट करी। Now it's up to the parliament. अब ये काम पार्लियामेंट के पास आ गई फिर से। Now it's up to parliament what all actions it need to take on the basis of these reports. उनको अगर कुछ wrong findings मिलती है, कुछ wrong doings मिलते हैं, कुछ corruption वाली चीज मिलती है, so now it is up to the parliament to take any particular action against that particular ministry or for that matter minister to take action. आई बात समझ। अब पार्लियामेंट के पास रियल पावर है। See, this is the thing why I was telling you कि कैग सिर्फ एक ऑडिटिंग की पावर है इंडिया में, कैग के पास कंट्रोलर वाली पावर नहीं है। इस चीज को कंट्रोलर बोलते हैं,
टू टेकिंग एक्शंस, अगर यू इफ यू फाइंडिंग एनी रॉन्ग डूइंग्स एंड इफ यू आर टेकिंग एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ दैट, दैट इज व्हाट एन फंक्शन ऑफ अ कंट्रोलर मींस, हु कंट्रोल्स द थिंग्स, राइट। सो ये वाली चीज होती है कंट्रोलर, और ये पावर क्या कैग के पास है? नो, इट इज अप टू द पार्लियामेंट। ये वाली जो पावर है ये किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, राइट। सो आई होप इस टेबल से आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कैग की फंक्शनिंग क्या है। सी यहां पर कई सारे क्वेश्चंस भी छुपे हुए हैं इसी टेबल के अंदर, इसी सीरीज के अंदर। लाइक आपको मिलेगा कि कैग की रिपोर्ट कौन फाइल करता है पार्लियामेंट के अंदर, तो आंसर है उसका प्रेसिडेंट। एक क्वेश्चन ये, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर पूछा जाता है कि विच कमिटी इज कॉल्ड एज द फ्रेंड गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ पीएसी, सॉरी कैग। द आंसर इज पब्लिक अकाउंट कमिटी, या अदर वे राउंड भी कह सकते हो आप इसको, एक दूसरे के फ्रेंड है ये पीएसी और कैग, यहां से ये पता लगता है, राइट। सो इस तरीके से अगर आप चीजों को पढ़ो ना तो चीजें रटनी कम पड़ती है, अंडरस्टैंडिंग बेसिस ज्यादा बनता है आपको। यहां से आपको कई सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे कि व्हाई कैग इज नॉट कंट्रोलर, व्हाई कैग इज अ मिसनोमर फॉर दैट मैटर, व्हाट आर द रोल्स ऑफ पीएसी हियर, व्हाट इज द एक्चुअल रोल ऑफ कैग, कैग सिर्फ ऑडिट कर रहा है, राइट। अब बेसिक बेसिक प्रोविजंस देखने हैं इसके कि किन किन को एग ऑडिट कर, सॉरी कैग किन किन डिपार्टमेंट्स को ऑडिट कर सकता है, कौन कौन से रिपोर्ट्स को टेबल डाउन करता है, किस टाइप के अकाउंट्स को ऑडिट करता है, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, राइट, दीज काइंड ऑफ बेसिक प्रोविजंस, और कौन कैग को पॉइंट कौन करता है, ये बेसिक फैक्ट्स है। दो चीजें होती है हमेशा पॉलिटी में पढ़ने के लिए, एक होते हैं बेसिक फैक्ट्स और एक होते हैं रियल अंडरस्टैंडिंग व्हाई। दो क्वेश्चन व्हाई एंड हाउ, सी देयर आर टू क्वेश्चंस, वन इज व्हाई, अदर इज हाउ। अब ये जो वाई वाला जो क्वेश्चन है ये है रियल में आपके एक तरीके से मेंस के लिए, दिस इज फॉर मेंस, जो कहते हैं ना मेंस और प्रीलिम्स के लिए इकट्ठा पढ़ना होता है, तो ये जो वाई वाला क्वेश्चन है ये है मेंस, हाउ ये मोर और लेस प्रीलिम्स के लिए, मोर और लेस। बट आज की डेट में अब जो पेपर आ रहा है आपका एनालिटिकल, तो वाई वाले क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कैग की बात करूं तो कैग में अगर पूछूं वाई कि वाई सीएजी, वाई देयर इज सीएजी एंड वाई इट इज अ मिसनोमर, ऐसे ऐसे क्वेश्चन, तो वो मेंस के लिए बनेंगे। आप एक्सप्लेन करोगे रीजंस, देन कम्स हाउ, हाउ में आएगा हाउ कैग इज अपॉइंटेड, कैग इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 148, राइट। तो वो बेसिकली आपको कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया प्रीलिम्स के लिए। ऑलराइट, सो ये दो चीजों के आंसर हमेशा ढूंढा करो, जैसी टॉपिक पढ़ा दिमाग में चमकना चाहिए, अच्छा व्हाई एंड हाउ कैसे इनके अगर आपको आंसर मिल रहे हैं साथ साथ तो आपके फंडे क्लियर है, कहीं ना कहीं आपको क्लैरिटी मिलती चली जा रही है। जितने ज्यादा व्हाई के आंसर मिलते चले जाएंगे उतनी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, जितने ज्यादा हाउ के आंसर मिलते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको चीजें रिमेंबर होनी स्टार्ट हो जाएंगी, उतने फैक्ट्स क्लियर होते चले जाएंगे बेसिकली। ऑलराइट, सो ये दो चीजों का ध्यान रखना है। ओके, अब जो ये बाकी जो बेसिक प्रोविजंस है, सी दीज वन, कि आर्टिकल 148, आर्टिकल 149, ऑल दीज थिंग्स, की कौन अपॉइंट करता है कौन नहीं, उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में कराऊंगा। अभी मेरा टारगेट था आपको चीजों को पढ़ाना कि हाउ यू एक्चुअली, हाउ एक सिविल सर्वेंट, आपको कैसे एक सिविल सर्वेंट की तरह पढ़ना है, कि कैसे आपको एचसीएस के एस्पिरेंट की तरह पढ़ना है, राइट। एक डिफरेंस होता है हर प्रिपरेशन में, यू शुड नो हाउ टू स्टडी लाइक अ सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट, सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट, डोंट वरी, जो हाउ जो फैक्ट्स हैं वी विल मेक, आज एक और वीडियो बनाऊंगा सेपरेट, छोटी सी वीडियो होगी, इसके अंदर आपको सारे फैक्ट्स एक बार बता देंगे आपको रोज। बट यहां पर जो मेरे को बताना है ना वो ये, हाउ टू स्टडी लाइक अ सिविल सर्विस एस्पिरेंट, कैसे चीजों को पढ़ना चाहिए, तो वो मैंने कैग की हेल्प से आपको थोड़ा बताने की ट्राई करी है कि आपको कैग का टॉपिक हो तो कैसे पढ़ोगे आप, राइट। आई होप कि आपको चीज समझ में आ रही होंगी, इसी को एनालिटिकल बोलते हैं, एनालाइज करते हुए पढ़ना, सिंपल, ज्यादा कुछ बड़ी चीज नहीं होती, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करोगे उतनी ज्यादा चीजें कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी, थोड़ा सा ढंग से चीजों को करोगे तो ईजी लगने लग जाएंगी, राइट। दिस इज वॉट एनालिटिकल एबिलिटीज, एनालिटिकल स्टडिंग इज, एनालिटिकल थॉट प्रोसेस इज, राइट। ऐसी ऐसी चीजें मैं और आपके लिए लेता आता रहूंगा, जस्ट कीप बी स्टे कनेक्टेड विद द अभिमन्यु आईएएस चैनल, राइट, दीस काइंड ऑफ ऑल योर डाउट्स विल बी रिजॉल्व्ड। सो विद दिस आई विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक, वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, सो टिल आवर नेक्स्ट वीडियो,
टेक केयर एंड बाय बाय।